हाँ ये खाना यूनिक है, इंडिया भर घुमा मैं कहीं ऐसा खाना नहीं पाया। मतलब पूरा का पूरा आपको प्राइवेसी वाला फील होगा और एकदम लगेगा कि आप कहीं रॉयल लेवल पे बैठे हुए हो। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर भी लगा हुआ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वाचिंग ऑलवेज राहुल। अभी मैंने वर्कआउट किया हल्का सा और अभी आज है बेसिकली मेरा एक कोलैबोरेशन, तो अभी मैं फट से जाता हूँ, नहा के आता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी रेडी हो चुका हूँ पूरा और अभी बज रहा है 12:52 और बाहर जो है हद से ज़्यादा धूप है। तो मैं अभी बेसिकली जाऊँगा भैया के साथ थोड़ा माया बाजार, फिर माया बाजार से मैं टोटो पकड़ के जाऊँगा गांधी मोड़, फिर गांधी मोड़ में साहुल आएगा, साहुल मुझे पिक करेगा, साहुल मुझे लेके जाएगा सागर भांगा। बेसिकली रेस्टोरेंट है सागर भांगा में, तो अभी अच्छा खासा दूर है मेरे घर से, लगभग 13-14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो या अभी धूप में ही जाना पड़ेगा, अभी कंटेंट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो या सीधा आगे मिलता हूँ मैं। अभी मैं साहुल के साथ बैठा हूँ स्कूटी में, अभी बेसिकली मैं हूँ हाईवे में, अभी मैं जा रहा हूँ सागर भांगा, वहाँ पे फिर उनके रेस्टोरेंट का डिटेल्स मैं वहाँ पे जाके आपको बताऊँगा। यहाँ से अराउंड अभी भी 9 किलोमीटर बता रहा है और देख सकते हो आप अभी मैप खुला हुआ है और इतना ज़्यादा धूप है, इसकी वजह से मेरे को फेस कवर करने के लिए पलक का वहाँ आना पड़ा और साहुल अभी स्कूटी चला रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो डिस्टर्ब हो, तो यू इन्जॉय करो। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ थाने लौंग का रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर भट्टी है लिटरली। पहले हम लोगों ने इस कोल्ड ड्रिंक से स्टार्ट किया है, तो देखिए अभी कोल्ड ड्रिंक्स आ गया है। तो ये अभी मतलब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके लिए हम लोग को कोल्ड ड्रिंक्स मिला है, साहुल भी है। अगर आपको एड्रेस जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे के रख दूंगा और फ़ोन नंबर भी मैं दे के रख दूंगा डिस्क्रिप्शन का। तो एड्रेस बेसिकली ये है सागर भांगा में, सागर भांगा में एग्जैक्टली कहाँ पे है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रख दूंगा, वो आप चेकआउट कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। और गाइस एक बातों में मेन चीज़ जो था वो चीज़ मैं बोलना ही भूल गया वीडियो में, बेसिकली अबाउट बंगाल में हम लोग का 20K हो चुका है और ये 20K सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है आज। तो मतलब लिटरली समझ सकते हो कितना बड़ा अचीवमेंट है साहुल के लिए, हम भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं लेकिन एडमिन साहुल ही है। अभी आगे तो और जाना है, 50K में जाना है, उसके बाद 1 मिलियन में जाना है। अभी धीरे 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 स्टेप लेंगे, बस आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, बस इतना है। तो गाइज अभी मैं जस्ट रेस्टोरेंट के ऊपर ही हूँ, यहाँ पे एक बैंकेट हॉल है, लॉबी टाइप का है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस चुटकी के बाद वो सिनेमेटिक शॉट आप इन्जॉय करते हो। बैकग्राउंड है कितना प्यारा लग रहा है, मतलब लाइटिंग देखो इस जगह का, लिटरली इसका एम्बियंस इतना सही आ रहा है ना, अगर आप यहाँ पे आके बैठोगे ना 2 मिनट में आपका मूड भी चेंज हो जाएगा, इसका एम्बियंस ही इतना प्यारा है। मतलब लाइटिंग देखो आप, मतलब पूरा चीज़ देखो कितना प्यारा लग रहा है, बैकग्राउंड कितना सही है, यहाँ पे सोफा वगैरह भी है। लिटरली बोलूँ तो ये लॉबी बहुत प्यारा लग रहा है इस लाइटिंग के वजह से और इस डेकोरेशन के वजह से। तो गाइज अगर आप आ रहे हो बड़े बड़े गाड़ी लेके या कार लेके या बाइक भी लेके आ रहे हो, कुछ भी लेके आ रहे हो, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अच्छा खासा जगह दिया हुआ है पार्किंग के लिए, यहाँ पे आप प्रॉपर अपना गाड़ी रख के यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, बहुत ही सेफ़ जगह है। लिटरली बताऊँ तो ये जगह काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आराम से नहीं भी हो तो 50 बड़े गाड़ियाँ अट जाएंगे, अच्छा खासा बड़ा जगह है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट के पीछे ही है। तो यहाँ पे अगर आ रहे हो तो पार्किंग का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप आराम से पार्क कर सकते हो यहाँ पे। तो
गाइस हम लोग अभी फिलहाल हैं एक प्राइवेट केविन में, यहाँ पे आप आके रिजर्व भी कर सकते हो, ये चीज हम लोग के लिए पहले से रिजर्व था। और इस केविन में मैं लिटरली बताऊँ तो मतलब पूरा का पूरा आपको प्राइवेसी वाला फील होगा और एकदम लगेगा कि आप कहीं रॉयल लेवल पे बैठे हुए हो। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर भी लगा हुआ है, स्लाइडिंग डोर भी दिया हुआ है, अभी इसको ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा प्राइवेसी में रहना है। और यहाँ का सर्विस थोड़ा ज्यादा बेटर मिलेगा बाहर से। तो गाइस आपको तो पता ही है कि 20 के स्पेशल है, तो पूरा एकदम स्पेशल अरेंजमेंट। तो गाइस आज 20K के खुशी में आज साहुल कुछ बोलना चाहेगा। हिंदी में ही बोलता है। हिंदी में ही बोलो, हिंदी में ही तो मेरे चैनल में सब कुछ होता है। ऐसे मेरा मन से स्टार्ट किए थे, फिर सोच रहे थे कि इतना भी इतना अचीवमेंट कर लेंगे, बट पर सोचे थे कुछ ना कुछ तो करेंगे जब स्टार्ट किए हैं। बीच में तो 6 महीना बंद था कुछ कारण, एग्जाम्स के लिए, फिर हम सोचे कि पड़ा हुआ है कुछ तो करने के लिए, खुले थे ऐसे पढ़ाने से तो काम तो होगा नहीं, फिर स्टार्ट किया। आज जो सोचे थे 20K हो गया और 20K का स्पेशल पार्टी भी हो रहा है प्राइवेट केबिन में बैठ के, रिजर्व्ड है। यस, वेरी सून इट विल बी 50K। यस बॉस, ग्रैंड होगा, ग्रैंड कुछ, ग्रैंड होगा कुछ चल रहा है। हाँ। जरूर आप लोग देखिए, फॉलो कीजिए पेज को, सपोर्ट, बिना सपोर्ट का तो कुछ होता नहीं है, तो सपोर्ट कीजिए और जल्दी जल्दी 30, 40, 50 पहुँचा दीजिए। बस 2-3 महीने पहुँचा दीजिए तो हम लोग एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, तब तो ग्रैंड कुछ सोचा हुआ है ऐसे। हाँ। में है सब तो हो जाएगा, बहुत बड़ा कुछ प्लानिंग सोचा हुआ है पहले से, कुछ और ग्रैंड होगा तब, बहुत बड़ा एक प्लानिंग है। अब पर्दाफाश करेंगे अभी नहीं, सब सरप्राइज। या तो गाइज और एक चीज जो मैं वीडियो में मेंशन करना भूल गया था कि ये रेस्टोरेंट पूरा का पूरा सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लिटरली चिल्ड है पूरा पूरा का पूरा रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैं प्राइवेट केबिन में बैठा हूँ, यहाँ पे भी एक सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है, तो इसके वजह से जो है कि पूरा का पूरा अभी केबिन चिल्ड हो गया। तो गाइज अभी यहाँ पे कुछ कस्टमर आए थे तो अंकल कुछ अच्छा बात बोलना चाहेंगे खाने को रिलेटेड, ये बेसिकली एक रिव्यू होने वाला है, काइंड ऑफ फिर रिव्यू होगा। हाँ, ये खाना यूनिक है, इंडिया भर घुमा मैं कहीं ऐसा खाना नहीं पाया, यहाँ का आज का खाना यहाँ का इतना टेस्टी है, मज़ेदार है। बोल तो आपको भी यहाँ आके खाइए और अपना रिव्यू बोलिए कि आपको कैसा लगा। तो गाइज एक और सिनेमैटिक शॉट मैंने अभी शूट किया है, वो देख के आओ इस चुटकी के बाद। तो गाइस अभी क्या क्या यहाँ पे डिशेस है मैं आपको एक बार बता देता हूँ अच्छे से, आशा करता हूँ आपको सिनेमैटिक शॉट अच्छा लगा रहेगा। तो इसका नाम है ड्रैगन चिकन, चिंगड़ी मलाई करी, बसंती पुलाव, चिकन कढ़ाई, स्पेशल धनी लंका थाली, और ये घी भी है इसके साथ, ब्लू लगुन। और बस अब अरेंज करके बस खाने बैठेंगे, अभी एक थंबनेल फोटो भी मैं निकालूंगा यहाँ पे। तो गाइस अभी धानी लौंका के जो ओनर है अंकल हमारे साथ ही बैठे हैं, तो उसे भी आप कुछ सुन लो, वो कुछ बोलना चाहेंगे। আমার ধানি লঙ্কা মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্টটা দুর্গাপুরের বুকে করার একটাই উদ্দেশ্য, যাতে মানুষ ভালো খাবার এবং ফ্রেশ খাবার যাতে পায়। এইখানে রেস্টুরেন্টে আমার একটাই জিনিস, আমার সমস্ত কিছু খাবারের রেট কিন্তু রিজনেবল, আমি রিজনেবল রেট রেখেছি এবং টেস্ট, এবং আপনারা আমার এখানে এসে চেকও করে যেতে পারেন। আমি মাছ বলুন, মাংস বলুন, চিকেন, মটন বা যে কোনো ব্যাপার, বা অয়েল খাবার, যে অয়েল যেটার ওপর মানুষের শরীরের কোনো ক্ষতি না করে সেটার ওপর আমি পুরো নজরদারি রাখি, এবং আমি চাই যে মানুষকে যে খাবারটা পরিষেবা দেবো সেটা যেন মানুষ খেয়ে খুব খুশি হয়। আমি চাই যে আপনারাও এসে দেখুন আমার এই ধানি লঙ্কা রেস্টুরেন্ট, পুরো খাঁটি বাঙালিয়ানা। এছাড়াও আমার চাইনিজ আইটেমও আছে, তান্দুরি আইটেম আছে, তান্দুরি বেস্ট বেস্ট অফ তান্দুরি আইটেম আছে, যেটা আপনারা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আপনি অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম কাবাব পাবেন না আমার কাছে। যেমন ধানি লঙ্কা স্পেশাল কাবাব আছে, লাহারি কাবাব আছে, এইগুলি আমার দুটো সব থেকে স্পেশাল কাবাব, যেগুলো আপনি অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে পাবেন না, খেয়ে টেস্ট করে দেখবেন আপনাদের দারুণ লাগবে, ঠিক আছে। আর আমি চাই যে আপনারা আরও আসুন এই ছোট্ট সংস্থাটাকে, আপনারা আমার সঙ্গে হেল্প করে সহযোগিতা করবেন। আর বলছি হোম ডেলিভারিও করা? হ্যাঁ, হোম ডেলিভারি আমাদের জোম্যাটো সুইগির সঙ্গেও ইয়ে করা আছে, ঠিক আছে, আমরা হোম ডেলিভারিও করে থাকি। আর আদার্স যদি কেউ আমাদের কোনো অনুষ্ঠানে বা কারোর যদি ইচ্ছা হলো যে আমার ঘরে 50 জনের খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে কি 100 জনের খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, সেটা আমরা গিয়ে নিজেরা আমরা গিয়ে ওখানে তাদেরকে খাইয়ে দিয়ে আসি, সেই ব্যবস্থাও আছে। আমার ব্যাংকুইট হলও আছে, অলরেডি আমার আটখানা রুম ব্যবস্থা করেছি, বিয়েবাড়িতেও আমরা ভাড়া দিই, এবং বিয়েবাড়িতে আমরা প্লেট সিস্টেমে আমরা পুরো ইনক্লুডিং মানে সমস্ত কিছু, ঠিক আছে, কোনো দিকে অসুবিধা নেই, মেইন রোডের উপর আছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।
cocktails in slow-mo, in a weightless motion. She called me crazy and I'm wasting. तो गाइज अपने ओनर के मुंह से तो रिव्यू सुन लिया है और थोड़ा प्राइस का बात कर देता हूँ। जितना भी डिशेस था सारा प्राइस टिफिन बॉक्स में है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मेनू कार्ड का तो फोटो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है वीडियो पे। और ये रेस्टोरेंट बिल्कुल बाजू में है हाईवे का, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा अगर आप कहीं पे जा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर रहे हो तो आराम से बाजू में। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई हैव एवर हैड, बिकॉज मैंने इतना सारा कोलैबोरेशन किया है लेकिन इससे अच्छा रेस्टोरेंट मैंने लिटरली खाना बोलो सर्विस बोलो सब टॉप नॉच था। और केबिन का जो चार्ज है एक्स्ट्रा लगेगा, अगर आप केबिन के अंदर प्रॉपर वाला रिजर्व वाला बुक करना चाहते हो तो 250 लगेगा अलग से टू आवर्स के लिए। तो गाइज ये व्लॉग यहीं तक था, आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा। काफ़ी मैंने बोला था ऑलरेडी कि नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो काफ़ी ज़्यादा नया और इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा, तो ये थोड़ा डिफरेंट था, आप आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा रहेगा। तो अभी मैं हूँ गांधी मोड़ में, अब मैं सीधा घर चला जाऊँगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग में और कुछ इंक्लूड ना करते हुए मैं व्लॉग एंड कर दूँ। तो फिलहाल तो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।